रौनक देखने लगी। बिगड़ी किस्मत हर एक की सवरने लगी, जोश रहमत में अब रे करम। जनाब अली शेफ फराह साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? और आप लोग सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। और क्या बन रहा है आज? रोजाना ही बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन रही होती है, तो मैंने सोचा आज भी क्यों ना बहुत ही अच्छा बनाया जाए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ना मेरे पास बीफ है, ना मटन है, ना चिकन है, ना ही मेरे पास सब्जियां हैं, तो मैं बना क्या रही हूँ सोचे आप। हाँ। अब मैं जो बोलूंगी तो आपने वो करना होगा। ओहो हो, हैरत वाला, हमें हैरान करें आप। अच्छा मैं बना रही हूँ एग मलाई मसाला, एग मलाई मसाला में बना रही हूँ। तीन डिशें बना रही हैं? नहीं नहीं नहीं, एक ही डिश है, लेकिन एग से मैं मलाई मसाला बनाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ा अंडे खिलाया जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि रमजान में अंडे कम खाए जाते हैं। हाँ। तो अच्छा है। और फिर अच्छा रोजाना मेरे घर में तो ये होता है। ये अंडे किसने दिए? ये अंडे मुर्गी ने दिए है, और बॉइल भी हो चुके हैं, और मुझे यहाँ तक मजर भाई ने दिए। तो अच्छा रोजाना पता क्या होता है वसीम, आपके साथ भी होता होगा, सब तमाम घर आप तो क्या होते हैं, आपको क्या पता घर का हाल। तो घरों में ये होता है कि आज क्या बनाए, कौन सा सालन बनाए, सब्जी नहीं खाई जाती, दाल नहीं खाई जाती, तो कौन सा सालन बनाए। तो मैंने सोचा मैं आज वो चीज़ बताती हूँ कि आप बोलेंगे वाह ये बहुत अच्छी चीज़ बताई, अंडे भी बन रहे हैं, एग मलाई मसाला, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी जायका आ रहा है, तो हम जरूर ये बनाएंगे जो नान के साथ हम खाएंगे। तो वो मैं बना रही हूँ गाय कुकिंग ऑयल के साथ, गाय वनस्पति गाय कुकिंग ऑयल, जैसा कि आपको पता है विटामिन डी से भरपूर है, बहुत ही अच्छा जायका, सेहत के लिए बहुत अच्छा, और हर कोई गाय की गुनगाए। क्यों गुनगाए? इसलिए वो है ही इतना अच्छा कि गुनगाने पे मजबूर बंदा हो ही जाता है। और वसीम जो फ्राई कर रहे हैं सबरोसों के चिकन टिक्का, चिकन टिक्का जैसे कि आपको पता है जो लोग डाइट कॉन्शियस लोग हैं कि भाई हमें फ्राई नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो आपने माइक्रोवेव करना है 5 से 7 मिनट, और इसे आप गर्म करके खा सकते हैं। थोड़ा सा हाफ डन होता है, ये बना हुआ होता ही है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि क्यों भाई क्यों डाइट करें रमजान में, क्यों डाइट करें, थोड़ा सा हमें शैलो फ्राई भी चाहिए, तो मैं हल्का सा मैंने ऑयल दिया है, डीप फ्राई नहीं कर रहे, तो आप चिकन टिक्का को यहाँ पर फ्राई करेंगे, लेकिन आंच आप हल्की कर दें, हल्की कर, हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी पका हुआ है ना। अच्छा, अच्छा, तो आपको तो बस दो ही तो आपने बनाने, इसको हल्का हल्का सा लाइट सा आपने इसको फ्राई करना है। साथ साथ मैं यहाँ पर एग मलाई मसाला की मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने आपको ये बहुत अच्छी एक टिप बताई थी कि आपको जब भी ग्रेवी ज्यादा करनी हो, प्याज का कच्चापन जल्दी जल्दी फास्टली आपको खत्म करना हो, आपने क्या करना है, एक ग्लास पानी में आपने 2 अदद प्याज को 4 हिस्से करके आपने इसको बॉईल कर लेना है। बॉईल हो जाती है 2 से 3 मिनट में, बॉईल होने के बाद आप उसको निकाल लें, निकालने के बाद आप इसको ब्लेंड कर दिए अच्छी तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर ब्लेंड की हुई प्याज है, कच्चापन भी नहीं आता और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है, और कलर भी सालन का बहुत अच्छा होता है, वरना आप कच्ची लेंगे तो आपको कच्चापन आएगा, पन आएगा, पिन आएगा, मेरे का फल आएगा, और फ्राई कर ले हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन मैं 3 टेबल स्पून, ये टेबल स्पून भर के इस्तेमाल करना है, अब इतना सा थोड़ी करेंगे। 3 टेबल स्पून मेरे पास जो बॉईल की हुई प्याज थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी, चूल्हा में तेज कर दूं, क्योंकि हम ये तो मेरा तो बंद हो गया चूल्हा, आ गए जी, फरार लहसन साहब आ गए, उनकी आमद के साथ ही चूल्हा बंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या हाल है जी? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आपने मेरे बगैर तलना शुरू, आपके टिक्के मैंने बना दिए, यानी ये कि आपकी गैर मौजूदगी में टिक्के जो आपने बनाने थे मैंने बना, और ये वो टिक्के जो तलने नहीं होते। हाँ, हमने बता दिया ना, हमने बता दिया। आज क्या बता रही हैं? 3 डिशें, मलाई नहीं, एग मलाई मसाला, वो एक ही है एग। हाँ, एग मलाई मसाला, EMM, EMM, एग मलाई मसाला। नहीं, क्या हो गया, एक ही है भाई, मैंने बताया तो था। मैंने कब बोला कि अपने इतने मैंने डिटेल के साथ बताया था कि भाई जो लोग परेशान होते हैं खाने पीने के लिए कि क्या बनाए क्या बनाए, अच्छी खुशबू वाकई अच्छी आ रही है, हमें बाहर से हम कबाब पराठा नहीं खाते इस तरह से टिक्के जो मिलते हैं ऐसे ही लगता है, थोड़ा सा इसको कलर ब्राउन कर देते हैं। कमी डाला इसमें? हमने कमी डाला है, क्योंकि ये जो है वो डाइट जो करते हैं उनके लिए सिर्फ माइक्रोवेव करना है 5 से 7 मिनट, तो मैंने कहा कि आज सबकी छुट्टी कराते हैं डाइट की, थोड़ा सा लाइट सा फ्राई करवा देते हैं, तो फिर गाय कुकिंग ऑयल का मजा भी तो लेना है ना, इसकी खुशबू। अच्छा, इसने आप इसको भूने, और मैं जल्दी जल्दी से इसके अंदर मसाले शामिल कर देती हूँ, इसका मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि ये ऑयल, अच्छा गाय कुकिंग ऑयल जो मैंने लिया था तकरीबन मैंने इसमें 3 टेबल स्पून भर के लिया था। क्यों इसके अंदर ज़्यादा लिया था? इसलिए लिया था कि जब अंडे का आप कोई भी खागीना बनाते हैं, ऑमलेट बनाते हैं, या फिर आप अंडे की कोई भी ऐसी डिश बनाते हैं, घोटाला बनाते हैं, तो अंडा जो होता है वो अपने अंदर सोक कर लेता है ऑयल को, जज्ब हो जाता है, तो ऑयल फिर नज़र नहीं आता, वो ड्राई हो जाती है डिश। ठीक है, और अंडे में इसमें आपको एग मलाई मसाला में अंडे किस स्टेज पर डालने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कंप्लेन आती है कि हम ड्यूरिंग कुकिंग अंडे डाल देते हैं,
तो अंडे जो है वो बिल्कुल जो इसका ऑयल खत्म हो जाता है, मसाला चिपक जाते हैं अंडों के ऊपर. सही है. तो वो थोड़ा सा टिप्स भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और साथ साथ आप इसको फॉलो करते जाइएगा. अच्छा, इसी तरह से जैसे हांडी मसाला होता है, मलाई मसाला होता है, उसी तरह का ये बनेगा, जायका वही होगा. लेकिन हमने क्या किया है, हमने अंडे का इस्तेमाल किया है. अच्छा, मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँ. देखा आपने कि ये बन रहा है. वसीम बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह. मैंने बोल दिया ना, तालियां तो नहीं बजेगी मुझे लगता है. आपने बुलाया. अच्छा, वाइट जीरा 1 टीस्पून भर के, और इसके साथ ही मैंने काली मिर्च जो है वो 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए वरना गले में वो लगती है, और सफ़ेद पेपर वाइट मिर्च जो है वो भी मैंने 1/2 टीस्पून, दोनों मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दी है चूल्हे की आँच. अब हम हल्की सी कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मसाला हमारा मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये प्याज पिंक क्यों होती है. मैम बताया तो रोज तो बताती हूँ, टिप बताती हूँ, आपको याद हो गया. आप बताती गरम मसाला समझ में नहीं आता, मैं ये कह रहा हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा. बड़ी लॉजिकल सी बात है. कितने मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल का मैंने बताया कि ये कोई टिप बताता भी नहीं है इतना लाइव शो में. ये तो हिडन चीजें हैं सारी की सारी. मैं तो पूरा खुल के बताती हूँ ईमानदारी के साथ रमजान में. देखिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, हांडी खाते हैं, सारी चीजें खाते हैं, दोबारा बता देती हूँ. अब नहीं पूछिएगा, लास्ट टाइम. अच्छा बताएं, बताएं. सही है. आपने क्या करना है, एक ग्लास पानी लेना है, उसमें आपने 2 अदद प्याज लेनी है, आपने क्यूब कर लेने हैं, उसको उबालना है 2 से 3 मिनट. जब उबल जाए तो आप निकाल के इसको आपने पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है. फिर वो तमाम आप मलाई वाले खाने या फ्रेश क्रीम वाले जो भी हांडी होती है उसमें डालें. कच्चा पन नहीं आता और ये जल्दी से पक जाती है. पिंक क्यों तो है, पिंक हो जाएगी ना, बॉईल करेंगे तो हो जाएगी. आप घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कीजिए. पिंक पानी में बॉईल कर रहे हैं इसको? नहीं ना, लो क्या करूं. अच्छा, लोगों को दिखाएं. ये मेरे पास है मूंगफली. मूंगफली क्योंकि आप पता है इसमें हम शामिल करेंगे मूंगफली में दाना भी, अखरोट भी शामिल कर सकते हैं, मूंगफली भी और बादाम भी. ठीक है, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा हल निकाल लिया है, थोड़ा सा यूं यूं यू टर्न निकाल लिया है कि हम इसमें कर लेते हैं मूंगफली डाल देते हैं. बादाम और अखरोट तो महंगे होते हैं ना, टेस्ट वही आएगा, पाउडर बन जाएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा. सही है. उसमें हमने एक दानेदार जो ग्रेवी है वो लानी जो कि हांडी के अंदर होती है. बात है क्या? पिंकी प्याज इनको नहीं समझ. आप कुकिंग करते हैं घर पे, खाना बनाते हैं? नहीं, आपसे पूछ रही, पहले आपसे सवाल है. नहीं बनाते, छोड़ा, पूछा ही नहीं. आप बनाते घर पे? कभी कभी घर पे तो नहीं खाता, वैसे बनाता हूं मैं. लेकिन खाना 2 टेबल स्पून तो किसकी घर पे बनाते हैं? ये क्या दोस्तों जवाब के साथ जाए, घर पे तो बताया. अच्छा, मैंने वो नहीं, नमक, नमक आपने मिस किया था ना ट्रिप, उसमें बनाया था मैंने खाना. नमक तकरीबन, खाना भी बनाया था. 1 टीस्पून नमक, और मुझे लगता है थोड़ा सा मसाला लग रहा है यहाँ पर. मैंने तमाम मसाले डाल दिए, मैंने गरम मसाला भी शामिल किया था इसके अंदर, और मैंने 2 टेबल स्पून दही इस्तेमाल किया. अब मेरे पास रह गया है यहाँ पर हरी मिर्चें, वो मैं डाल देती हूँ. जैसे कि मैंने आपको बताया, हरी मिर्चें दरमियानी साइज़ की ले लें, इसका बीज निकाल दें, और इसे फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छी आती है, और तीखापन और तेज़पन नहीं आता जो आपके हलक में लगता है. सही है, वो मैंने ऐड कर लिया. सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शामिल कर चुकी हूँ. मसाले नॉर्मली वही मसाले जो आप घर में इस्तेमाल करते, कोई ऐसा अलग से मसाला नहीं है जो आपको बाहर से लेना होगा. लेने होंगे तो आपको क्या लेनी होगी, फ्रेश क्रीम लेनी होगी. बाकी तो यूजली घर पर होता ही है, सारी चीज़ें होती हैं, और ये इतना आपके बजट में रह के हर चीज़ मिल जाएगी. ठीक है, अब ये मैंने धनिया बारीक चॉप किया हुआ. अच्छा, धनिया जब भी किसी भी आप सालन में डालें या बिरयानी पुलाव में डालें, मैं आपको टिप बता दूं इसका जो फ्लेवर खुशबू आने के लिए, जब आप मसाला भून रहे होते तब थोड़ा सा डाल दिया करें 1 टीस्पून, और जब बन जाए तो उसके बाद डाला करें, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है. क्या हो गया तो, आप खरे अपने काम क्या है ये व्यास की अच्छा, इशारों में बात भी नहीं कर सकते. करें 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 करें, हमने कुछ बोला आपको? अब देखें ये मसाला जो है, क्या करूँ मैं, कुछ भी नहीं करते, कुकिंग करते नहीं. अच्छा, ये अंडे है मेरे पास. देखिए जितने घर में लोग हैं ना, अफराद हैं आपके, उसके हिसाब से आपने अंडे लेने, वरना भी लड़ाई होती है. तुम अंडा खा गए, सालन बचा, अंडे खत्म हो गए, होता है ना ऐसा. अंडे की बिरयानी अंडे के पुलाव में भी होता है. तो भाई आप जितने लोग हैं तो उतने आप अंडे लें. तो मैंने थोड़े इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 7 अंडे लिए मैंने इसमें. ठीक है, हम लोग 3 हैं, अंडे 7 हैं. हम 7 हैं. हां, लेकिन हम 3 हैं, अंडे 7 हैं. निकाल लेंगे ना अलग से, शायद ये ऐसे कह रहे हैं जैसे हम खाते हैं रोजाना और आज भी हम खाएंगे. आप तो ऐसे कह रहे हैं. हां, उन लोगों के लिए जो 7 लोग खाते हैं, मैंने उनके लिए, मैंने उनका भला कर दिया, 2-2 खा लें. ठीक है. अच्छा, मैंने इसके अंदर इस तरफ से ये साइड से. हाँ, ये बहुत अच्छी है, ब्राउन बहुत अच्छा आपने किया. अच्छा सही है. अभी मेरे पास फ्रेश क्रीम है, तकरीबन उसमें 50 ग्राम, 1/2 छोटा कप, इसको मिक्स कर लें. सही है, इसका 1/2 छोटा कप जो है मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है. ज़्यादा बड़ा कप मैंने नहीं शामिल किया. और जब भी क्या क्यों नहीं 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 तोड़ेंगे आप, जब तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि इसका जो लुक है ना वो चेंज हो जाएगा. वो पीला पीला से सालन नहीं होगा, अच्छी सी भूख जो है ना, वो तो खुशबू आ रही है नहीं आ रही,
खुशबू नहीं आ रही, खुशबू मुझे इसकी आ रही है और इसकी आ रही है। आया भी मजा आया, शाबाश। आप तो बोल दिया करें बगैर पूछे भाई, आप बोल दिया करें तो मेरे तो सब दोस्त हैं, कोई इस तरह नहीं करता, बस ये वो करते हैं, बाकी सब तो तारीफ करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छी तो है ना कि इसके ऊपर मसाला लगे और तेल हमारे आ गया, बहुत जल्दी बन रहा है, आप बातें कर रही हूं। सब भूनने वाले का कमाल है, ये तो भूनने वाले का कमाल है सारा का सारा। ये अंडे के ऊपर मलाई लगी हुई है, थोड़ा सा इसको मिक्स करें ना, यूं करके यूं चिपचिपा, अंडे की तबीयत खराब हो जाती है, मतलब अगर ऊपर मलाई लगी रह जाए चमचा तो उसको नजला हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें अगर मलाई लग गई अंडे के ऊपर, थोड़ा सा यूं अंडा उसके अंदर ही है ना, मतलब हां अंदर तो है लेकिन घुमाए ना थोड़ा यूं यूं करके, ऐसे ऐसे, हां तो कोई स्टाइल से ये देखिए इसके अभी तक इसके ऊपर मलाई लगी हुई है, इसको घुमाए ना, बेचारे को नीचे रखे ना, एक बार बताएं मुझे करके, सीरियसली मैं वैसे करूंगा सीरियसली, देखिए इस तरह से, इस तरह से घुमाते हैं सही, किस तरह से वैसे ही बताएं साहब, जैसे आप मैं कैसे घुमा रहा था, आप वैसे घुमा रहे थे, इज्जत से घुमा रहे थे ना बताएं साहब, ठीक है। और ये हमारा एक मलाई मसाला जो है वो तैयार हो चुका है, इतनी जल्दी तैयार हो चुका है और बस हो गया तैयार हो चुका, हाँ कितनी देर थी, कितने जल्दी तैयार हो गया, फटाफट तैयार हो गया। इसे हम क्या करेंगे, ऐसे इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, क्यों ज़्यादा आ गया, क्योंकि पहले से जल्दी जल्दी होता है ना सेगमेंट में, तो वो जो लड़के थे वो उनको लगा मैं फ्राई कर रही हूँ कोई, तो मैंने जल्दी से निकाला तो था लेकिन ज़्यादा हो गया था। खैर आप इसमें थोड़ा कम कर लीजिएगा, मेरे ऊपर गिर रहा है ये, तो ऐसे कर लेती हूँ, हाँ अब तो ऊपर ना गिरे, मैं इसको निकाल देती हूँ कोई बात, ठीक है निकाल देते, ठीक। अच्छा ये हमने इसमें बॉल में मैंने सर्व किया और नान भी मैंने रखे हुए ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से इसको खाना है, तो मैं इसको ऑयल थोड़ा सा निकाल देती हूँ, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इनको भूख लग रही है, इनको भूख लग रही है, ठीक है। अच्छा मुझे ना वसी मुझे टिश्यू पेपर चाहिए होगा और थोड़ा अच्छा। ज़्यादा हो गया था, खैर टिश्यू पेपर दे दें। और ये हमारा एग मलाई मसाला जो है तैयार है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और बताएं कि आपको कैसा लगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑयल जो था हमने किसी और हिसाब से रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मेरी वो डिश कहाँ गई, हो गया उसको मैं थोड़ा सा जगा दूँ, वाह वाह वाह, यहाँ मैं गार्निश करूँगी लेमन के साथ थोड़ा, यार खुदा के बंदो ये तो आज खाने देना यार, किसकी किसकी वाह बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना, हाँ इसकी बहुत अच्छा बना सच में, मतलब डिफरेंट चीज है, अच्छा हाँ ना ये टिक्का जो है टिक्का बहुत शानदार, और नान बस ठीक है, मैं इतनी सीधी हूँ भूल जाती हूँ, दोबारा से पूछ लेती हूँ मैं क्या करूँ, कल से नहीं पूछी क्या, वो भी सादा है कभी चाल बदलते ही नहीं, हम भी सादा है उसी चाल में आ जाते हैं, तो बस ठीक है। ये धनिया और ऊपर से वाइट जीरा हल्का सा छिड़केंगे क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, वाइट जीरा गरम मसाला नहीं छिड़क दीजिएगा, कितना प्यारा लग रहा है, और हमने ये बहुत अच्छा भाई, कितना प्यारा लग रहा है मेरा दोस्त यार, वाह वाह वाह, क्या है कभी तो बोल दिया करें कि हाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है, जायका भी अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अलग आपने आज भी इसको, वैसे आप लोग कुछ भी बोले मुझे उस तरह से लोगों ने बोला है कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है, नहीं और जो बात है मतलब कि आप ये मतलब मैं अब इसी की बात कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत डिश जो है ये देखें, मैंने आज पहली बार खाया, ये क्रॉकरी बेहतरीन आई है इन्होंने, जबरदस्त यार भाई, टिक्के के लिए तालियां बजानी चाहिए, मैं बजा लेती हूँ तालियां, आप बजाए ना बजाए, नहीं नहीं सिर्फ टिक्के के लिए नहीं, शेफ फरा हमारे साथ होती है, बड़ी मेहनत करती है, नान के लिए बहुत सारी नान के लिए, और मजाक अपनी जगह ब्रेक पे जाने से पहले, ये जितनी अच्छी सफाई हुई हमारे किचन की, हमारे किचन के स्टाफ के लिए बहुत सारी तालियां बजा, तालियां रहती नहीं गई मेरे ख्याल काफी, बस हो गया सबका, गया ना का हो गया, टिक्के का हो गया, इन दोनों का हो गया, बस सही खत्म, और कोई है ही नहीं यहाँ पर, आपको अभी दोबारा टिश्यू चाहिए थोड़ी देर पहले शेफ फराह, क्या बात है शेफ फराह के लिए, बहुत सारी तालियां भाई, हमेशा बहुत अच्छे अंदाज से और जिंदा दिली से आप माशाल्लाह, हम एक वक्फा लेते हैं जिंदा दिल, अगर आप मजीद रहना चाहते हैं और कोई अचार सुनना चाहते हैं तो एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए, मैं ऊपर कैमरे के कैमरे पता नहीं क्यों देख रहा हूँ, ताकि हम बैतबाजी का सेगमेंट मैं आपको कुछ मजे मजे के अचार सुनूँ इंशाल्लाह, हर एक की सवर